नमस्कार फ्रेंड, श्रीमती जी की रसोई लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हमारी बड़ी जेठानी की पोते का शादी है, तो वहाँ पर हम लोग गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं भी बैठी हूँ वहाँ पर और सभी लोग जुटे हुए हैं हमारे घर में। तो आप देख सकते हैं, दूल्हा तैयार हो रहा है, उसके साथ में सभी भी लोग फोटोकॉपी का फोटो कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने वीडियो निकाला है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। हमारा भी पोता है लगता है, नाती लगता है मेरा भी, बड़ी जेठानी का पोता है तो मेरा भी पोता ही है। तो देख सकते हैं उस ये सब भगवे लोग हैं। हमारे यहाँ इमली घोटाई होता है तो वही प्रोग्राम हो रहा है। बहुत शोर गुल हो रहा था फ्रेंड, मैंने आवाज़ कट कर दी है। तो इमली घोटाई का प्रोग्राम हो रहा है और दूल्हे को पान खिलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, दूल्हा पूरा तैयार हो चुका है, बस अब बारात निकलने ही वाली है। तो आगे आप लोग देखिए, ये कार्यक्रम होने के बाद दूल्हा निकलेगा और सब लोग फिर से देखिए फोटो करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड, इस मौके पे मैं भी पहुंच गई थी, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। जितने नए पुराने लोग आते हैं सभी लोग मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे आप बारात का एंजॉय करिए, देखिए हमारे यहाँ किस तरह से बारात जाती है, किस तरह से सजावट होती है फ्रेंड। तो आप लोग देखिए हमारे यहाँ का कल्चर, किस तरह से दूल्हा तैयार किया जाता है। और गांव में इसी तरह से मकान रहते हैं, यहाँ पे तरह से दूल्हा तैयार होता है और सब लोग साथ में एंजॉय करते हैं ढोल मंजीरे के साथ में। तो आप देख सकते हैं, हमारे घर की सारी बच्चियां जो भी आई हुई थी, सब रिश्तेदार, कोई बहन लग रही है, कोई बुआ लग रही है, तो सब लोग बाहर निकल के बारात विदा करते समय डांस कर रही हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करिए फ्रेंड, और पूरा वीडियो वॉच करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? देखिए अब बारात बाहर निकल चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है, तो बहुत सारी गाड़ी आई हुई है फ्रेंड, कम से कम 18 से 20 गाड़ी आई हुई थी। और सारे गांव के लोग जाते हैं गाड़ी में बैठ कर के। तो हमारे यहाँ बारात एक गांव से कई गांव की आगे जाती है, कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता रहता है। तो हम लोगों को गाड़ी करना पड़ता है और सभी को बैठा करके लेके जाना पड़ता है बाजे गाजे के साथ में ही। तो इस तरह से लड़के की शादी होती है हमारे यहाँ।